नमस्कार, मैं हूं कुलजीत यादव और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने वाले मयंक यादव इस कदर छाए हुए हैं कि जिस तरह से उन्होंने पंजाब के कप्तान शिखर धवन को छकाते हुए अपनी रफ्तार का परिचय पूरी दुनिया को दिया। मयंक ने बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग कही जाने वाली एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर अपनी तूफानी गेंदों से सुनामी ला दी। उन्होंने 3 विकेट झटके तो 156.7 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकते हुए आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। एक वक्त था जब भारतीय क्रिकेट पेसर्स के लिए नहीं बल्कि स्पिन के लिए मशहूर था। भारतीय बल्लेबाजों को भी पेस के आगे संघर्ष करते देखा जाता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। पिछले कुछ सालों से क्रिकेट को बदलते हुए देखा गया है। भुवनेश्वर कुमार और इरफान पठान स्विंग के सुल्तान रहे हैं, तो वहीं जसप्रीत बुमराह एक यूनिक पेसर हैं और उमरान मलिक फास्ट एंड फ्यूरियस हैं। तो अब इस लिस्ट में मयंक यादव की धमाकेदार एंट्री हुई है। मयंक के नाम आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड तो है ही, साथ ही उनके पास वेरिएशंस भी है जो उन्हें परफेक्ट तेज गेंदबाज बनाता है। आइए जानते हैं मयंक के बॉलिंग एक्शन से टॉप स्पीड तक की कहानी। मयंक यादव के नाम आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद यानी 156.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड दर्ज है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ तेज गेंद फेंकते हैं बल्कि उनकी गेंदों में वेरिएशंस भी है। यही वजह है कि उन्हें परफेक्ट पेसर माना जा रहा है। जिस गेंद पर मयंक ने कैमरून ग्रीन का स्टंप उखाड़ा वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, मयंक में वो ताकत है कि वो एक ही टप्पे पर लगातार गेंद कर सकते हैं। और यही वजह है कि 2 मैचों में लगातार उन्होंने 3-3 विकेट झटके और दोनों ही मैचों में मैन ऑफ द मैच भी बने। दरअसल आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करना इंटरनेशनल टीम का टिकट पक्का माना जाता है। इंटरनेशनल लेवल के बल्लेबाजों को छकाने का मतलब है कि मयंक यादव अब टीम इंडिया में एंट्री के करीब हैं। सिलेक्टर्स पैनी निगाह गड़ाए बैठे होंगे। अगर वो T20 वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्ट हों तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले कई नामों की चर्चा थी, लेकिन मयंक यादव का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। अब जब उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने मौका दिया तो उन्होंने इस तरह से परफॉर्म किया कि हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स को मयंक यादव के रूप में हीरा मिल गया है। आईपीएल 2022 की नीलामी में टीम ने उन्हें सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन अभी तक छुपा कर रखा गया था। बड़े बड़े स्टार जहां एक भी मैच नहीं जितवा पाते, वहीं 20 लाख के मयंक ने दो मैच में टीम की झोली में डाल दिए। मयंक यादव बिहार के सुपौल के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी फैमिली दिल्ली में किराए के मकान में रहती है। मयंक को लॉकडाउन में आर्थिक रूप से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, हालांकि उनका भविष्य शानदार दिख रहा है। साउथ अफ्रीका के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक मोरने मोरकल लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलिंग कोच हैं। उनके पास ज्ञान का भंडार है। वो मयंक से लंबे समय तक बात करते दिखाई देते हैं। नेट से लेकर मैच तक मिले ज्ञान से ही मयंक सुनामी ला रहे हैं। मयंक यादव सफलता की सीढ़ी तेजी से चढ़ रहे हैं और वे आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में 4th नंबर पर हैं। अगर वो अगले मैच में टॉप पर दिखाई दें तो कोई हैरानी की बात भी नहीं होगी। एक ओर जहां मयंक यादव की तूती बोल रही है तो दूसरी ओर उमरान मलिक सीन से गायब हो गए हैं। इस सीजन में मयंक के नाम सबसे तेज गेंद 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे का रिकॉर्ड है। मयंक पंजाब के खिलाफ भी प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे और यही सीन उन्होंने बेंगलुरु के खिलाफ फिर से दोहराकर अवार्ड को अपने नाम किया। इस तरह आईपीएल करियर के शुरुआती 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं मयंक। धन्यवाद, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही।